सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आप में से आज के सेशन के लिए? कितनों को कल रात को नींद ढंग से नहीं आई है? एनी गेसेस कि आज यहां पर क्या होने वाला है? यूट्यूबर आने वाले हैं। कौन यूट्यूबर? कोई छपरी यूट्यूबर या कोई और? आपको हिंट देता हूं, कोई ऐसे आने वाले हैं जो इस एज ग्रुप में आप उनसे बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। अभी जब मैं नाम बताऊंगा ना आपको जो आने वाले हैं, आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली अमन दत्तरवाल। इससे पहले कि आप लोग अमन से कुछ क्वेश्चंस पूछें या ये कुछ बोलें, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो सेशन अभी हो रहा है, इसका प्लान बना था आज से 4 दिन पहले और इसकी वीडियो अपलोड हुई थी 3 दिन पहले। वीडियो अपलोड हुई उसके ठीक 2 घंटे बाद अमन की हमारे पास में ईमेल आई। कोई बीच में मैनेजर नहीं, कोई एजेंट नहीं, डायरेक्टली अमन ने मेल किया, हमारी टीम ने कॉल किया, इनको बताया कि ये वाला सेशन है लाइंड अप 2 दिन बाद का। अमन ने 5 मिनट में कंफर्म कर दिया इस सेशन के लिए, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये नहीं कि बैठ करके सोच रहे हैं कि ईमेल भेजूं ना भेजूं, बहुत लोग तो अभी यही सोच रहे हैं बैठे बैठे। ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद में भेजेंगे। बहुतों की आ गई है मेल हमारे पास में, लेकिन उनके मैनेजर उसकी मेल आ रही है, वो अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ठीक है आ जाएंगे, पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कितने पैसे मिलेंगे। हमने कहा 150 रुपया मिलेगा, चाहिए तुमको। एक तरह की नेगोशिएशन चल रही है कि इसमें हमारा क्या फायदा है, वहां तो जाएंगे क्या, हम ये प्रमोट कर पाएंगे हमारा जो शो है। तो फिर मेरी टीम ने मेरे से पूछा कि ऐसे में क्या करना है। मैंने कहा कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, जब वक्त आएगा उनका मन करेगा आने का तो वो अपने आप आएंगे। जब उनको समझ आएगा कि दुनिया में हर काम पैसे के लिए नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पे दिल से कुछ शेयर किया जाता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, वो ही ये प्लेटफॉर्म है। आज आपका जो इंटरेक्शन है वो ऑडियंस के साथ में रहेगा, ऑडियंस का आपके साथ में रहेगा। इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक अ रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो शॉर्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप शॉर्ट में जवाब देंगे, बीच बीच में कुछ मजा भी होगा, कुछ मस्ती भी होगी। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं जो बहुत फड़फड़ा रही थी जब उन्होंने आपका नाम सुना, तो आई एम श्योर कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आकर के आपको प्रपोज कर दे और यहां से एक नई कहानी की शुरुआत हो जाए। फिर कुछ टाइम बाद अमन का एक सेशन, आई मीट माई वाइफ, जिसमें बताएंगे हाउ आई मेट माई वाइफ। अब इससे पहले कि आप लोग अमन से क्वेश्चंस पूछें या इनके साथ में इंटरेक्ट करें, इससे पहले अगर आपके दिल में कुछ है जो आप बोलना चाहते हैं या मन में कुछ है या कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बोलिए, उसके बाद में ऑडियंस की बारी। सबसे पहले इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है मेरे मन में अभी, और पर मैं इसे कम समय में बोलने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शुक्रिया आप सभी लोग सुबह सुबह उठ के यहाँ तक आए हो, तो ये दिखाता है कि आप सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और सीखने की भूख है। और आज संदीप सर के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मेल में भी सर को बताया था, 2013-14 में इतना यूट्यूब नहीं होता था, तो थोड़ा बहुत जो डेटा पैक MTNL का ब्रॉडबैंड होता लगा रहता था, तो उसमें मैं देखता था आपका एक वीडियो था, आपने प्लेट में इतने में मैंने वो वेट लॉस वाला क्रिकेट वाले उस टाइम जो लाइफ चेंजिंग सेमिनार आते थे। और जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था तो सर मैं काफ़ी ही ज़्यादा शर्मीला होता था, मतलब वो नहीं होते जो सबसे आगे बैठ जाते हैं फ्रंट बेंच पे स्कूल के अंदर, और बिल्कुल छाए, किसी ने अगर कह दिया स्टेज पे आके कुछ 2 बात बोलो तो पैर कांपने लग जाएं, स्टेज पे आने से अच्छा चौथे फ्लोर से कूद जाएं, वो बेहतर है। और आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने मम्मी को कहा ठीक है मम्मी मैं निकलता हूँ, मम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी आदत है, तुम किसी क्वेश्चन के बहुत लंबे आंसर देते हो, कम बोलना। तो एक टाइम जो मम्मी बोलती थी बेटा बोला करो, प्रैक्टिस के साथ साथ वही मम्मी बोलने लग जाती है कि बेटा कम बोल के आना। तो अब आप सभी लोग जो भी डाउट पूछना चाहते हैं वो आप पूछें, और मैं दोबारा थैंक यू देना चाहूँगा संदीप सर को। सर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये दिखता ऐसे है कि यहाँ नॉर्मल हो जाता होगा पर इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और उसके साथ भी एक सालों से जो बैक टू बैक कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए सर ने किया, सर हर साल लेवल बढ़ाते जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उस काम को करते जा रहे हैं, और वो अपने आप में एक बहुत ही प्यारी इंस्पिरेशनल चीज़ है।
और सर आपने लाखों को करोड़ों को इनफैक्ट इंस्पायर किया है, और मैं बहुत ज़्यादा आज ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अपने इस मंच पे स्वागत किया और ब्रेकफास्ट में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो थैंक यू सर। अभी आपके लिए कुछ सरप्राइजेज और हैं। आप लोगों के पास में जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरह के हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आप खुल करके आंसर दे सकते हैं। अगर उसमें कुछ हल्का फुल्का गलत भी हो गया, कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी एडिटिंग टीम है, एडिटिंग महाकुत्ती चीज़ होती है, वो सब एडिट करते हैं। मैंने ये गाली दी है लेकिन ये एडिट हो जाएगी। शॉर्ट में पूछना और शॉर्ट में जवाब देंगे। 9th क्लास से हमने आपकी वीडियोस देखना शुरू किया और इतना ज्यादा ह्यूज क्रश है हमारा आपके लिए। तो आप किसको देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो? पहले मैं आपको देखूंगा। आज मेरे को छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। आज यहाँ पर ये आए हैं, एक सेकंड इनसे बात करो। हाँ बताइए। सर इतना ज्यादा ह्यूज क्रश है 9th क्लास से, जब भी मैं मतलब पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो आपको देखने का मन करता है तो देखना शुरू करते हैं। वैसे ही साइड से इनकी वीडियो आती है और फिर लगता है पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो क्यों नहीं रहे? अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इधर देखूं उधर देखूं। नहीं सर, एग्जाम टाइम तो यही काम आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर लॉ मतलब काम के वक्त ये काम आते हैं और टाइम पास के लिए मैं बैठा ही हूँ। देखा क्या क्या होता है यहाँ, यहाँ की जो एनर्जी है ना वो एक अलग लेवल की आपको महसूस हो रही होगी, आई एम श्योर। मैं वजह बता देता हूँ, उसके पीछे वजह क्या है। यहाँ पर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल ऑडियंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल से 3 साल से 5-5 साल से रजिस्टर किया हुआ है। कितने? 4 साल से। तो ये लोग पता नहीं कब कब से वेट कर रहे हैं और इनको एंट्री पास मिला। लाखों लोग रजिस्टर करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को एंट्री पास मिलता है, फिर वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इन लोगों का एनर्जी लेवल और एक्साइटमेंट लेवल किस लेवल का है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअली आज तक आपने जहां भी जो भी ऑडियंस देखी होगी। मैंने अभी पूछा था कल रात को कितनों को नींद नहीं आई थी, हाथ ऊपर करना दोबारा से, ये देखो हालत। सर मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, अभी हम जज बनने की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस, तो उसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसे मतलब 1 घंटे पहले अच्छा लग रहा होता है, फिर डाउन, फिर 1 घंटे में आपका कुछ सुना या फिर कुछ पढ़ा लिखा, फिर डाउन। ये इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है, तो कभी कभी लगता होगा ही नहीं, मतलब इंस्टेंटली आती है फील, फिर चली जाती है फील। आई गेस ये पूछ रहे हैं कि फोकस पैन है वो कम है, या जो भी हमने सीखा वो थोड़ी देर के लिए जोश रहता है, उसके बाद जोश ठंडा रह जाता है। तो ये तो मेजॉरिटी की प्रॉब्लम है, आप यूँ बोल सकते हो 99% से ऊपर की प्रॉब्लम है ये लोगों की। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है, हाथ ऊपर करो। एक सॉल्यूशन नहीं बोलूँगा मैं इसका, इनफैक्ट सबसे पहले हमें ये देखना है कि ध्यान हट कहाँ से रहा है। तो आपकी मेजर डिस्ट्रैक्शंस कुछ निकल के आएंगी। देखो दिन में अगर आप पूरे दिन 3-4-5 घंटे का मान लो आप मोटिवेशन देख रहे हो, तो मैंने सर का ही एक पोस्ट देखा था, सर ने इंस्टाग्राम पे भी कुछ बंदर का सा वो डाला था। वो मेरी फोटो नहीं थी? नहीं 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 नहीं। टू मच मोटिवेशन आप देखते जा रहे हो, वो डेंजरस चीज़ है। 5 घंटे मोटिवेशन नहीं देखना होता, ये इस प्रकार से होता है। जोश आया, आपने 2-3 दिन काम किया, आप अगर थोड़ा सा डेविएट भी होते हो, थोड़ा सा आपने अपने आप को वापस ट्रैक पे लेकर आए, फिर आप 2-3 दिन आप काम करो, फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो फिर करो। और लाइफ के फेजेज होते हैं, अभी हो सकता है आप अपने लाइफ के किसी सर्टेन फेज में हो। एक 3 प्रश्न अपने आप से पूछा करो, मुझे बहुत हेल्प करता है। पहला, हु आई एम राइट नाउ, मैं अभी कौन हूँ। व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं बनना क्या चाहता हूँ। और तीसरा, हाउ विल आई रीच देयर। अगर इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर पता हैं तो जनाब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं पता है तो अभी भी मतलब फिर वो वाली स्थिति है कि आपके पास 2-3 खरगोशों के पीछे आप भाग रहे हो। मे बी या तो कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में जैसे होते हैं, प्लेसमेंट लें, सरकारी लें, खुद का काम करें, क्या करें। इवेंचुअली आपको कॉलेज के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक एक खरगोश को पकड़ना होता है और सिर्फ उसी के पीछे भागना होता है। डिस्ट्रैक्शंस को तो यार काटना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऊपर के उस 1% कर्व में नहीं आ पाओगे। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, पहले तो मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को बहुत बेहतर बनाया, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, तो थैंक यू सो मच दोनों को। संदीप सर ने बोला था कि जब मेल किया था आपको तो आपने क्विक डिसीजन दे दिया था, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब 2 चॉइसेस आती है मेरे पास तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, रोती हूँ, देन मैं लास्टली पापा के पास जाती हूँ और वो डिसीजन देते हैं। मुझे खुद को डिसीजन लेने नहीं आ रहा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे लेते हैं। लाइफ में जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर मैंने ये देखो, लाइफ में इनडिसिसिव रहना सबसे खराब बात होती है।
अगर ख़राब डिसीजन ले लिया तो एक्सपीरियंस बन जाएगा, अच्छा डिसीजन ले गया तब तो बल्ले बल्ले। तो आप ये देख लो कि मान लो जैसे कि कोई भी केस ले सकते हैं, आपको कोई करियर ऑप्शन चूज़ करना है या कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक कोफाउंडर थे और वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे और मैंने कहा कि यार माइक्रोसॉफ्ट छोड़ जाओ और साथ में अपन इस पे काम करते हैं। तो उनका बढ़िया पैकेज था 43 लाख का कुछ, और मैंने कहा देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगी, 2 साल बाद आपको वापस जॉब करनी पड़ेगी, तो 15 लाख की कोई जॉब मिल जाएगी आपको, शायद 15 की मिल जाएगी। उन्होंने कहा 15 के मैं तो बेहतरीन ले आऊँगी। तो मैंने कहा वो है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि इस चीज़ पे काम किया ये बेहतरीन गई तो हम ये कर रहे होंगे। तो हमने वर्स्ट केस देख लिया, बेस्ट केस देख लिया। वर्स्ट केस को आप ये देख लो दिमाग में, क्या आप उसके साथ उसको झेल दोगे, क्या वो सहन कर सकते हो, फिर ले लो डिसीजन। यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब यहाँ पर आने का डिसीजन आपने 5 मिनट में लिया, इसमें वर्स्ट केस तो क्या है? आपने क्या सोचा था कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कोई बच्चा दादा ही टांग खींच लेगा और बेस्ट केस तो बेस्ट केस ही है यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई वर्स्ट केस नहीं है, मैक्स टू मैक्स कोई बच्चा, पर वो आपने कह दिया एडिट हो जाएगा, वो एडिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। थैंक यू सो मच। भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अब एक आंधी सी आ गई है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसा कमाओ, और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो लोग कहते हैं कि आप हमारा कोर्स लीजिए, हमारा सर्विस लीजिए, तो आपसे आप उससे लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तो सर आपने एक वीडियो में बताया था कि आप अगर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, तो सर करें कैसे? हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन सर फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ, एक दिन करते हैं लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता। अगर हम जेई नीट की या किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी वगैरह की तैयारी देखोगे जो ऑफलाइन होती है, वहाँ पे भी आप लाखों की मात्रा में पैसे डालते हो और कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, एनिमेशन हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी कोर्स हो, बस ये फ़र्क है कि वो 3 लाख का कोर्स हो सकता है यहाँ पे 300 रुपये में आपको मिल रहा हो या फ्री मिल रहा हो यूट्यूब पर अगर आप स्पेशली देख रहे हो तो, पर वो जो कितने लोग कर पा रहे होंगे वो हमेशा 1% रहेगा। तो ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज आज के दिन बहुत बेहतरीन है। आप कह रहे हो आज के दिन आंधी आ गई, एटलीस्ट 100 साल पहले जैसा नहीं है कि आंधी आ रही है और जैसे हमारे दादा दादी होते थे खेतों में आंधी आ रही है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की आंधी आ रही है। हम आज के दिन ऐसे एरा के अंदर हैं, हमारी कोई भी पुरानी आप जनरेशन देखोगे उसके मुकाबले में हमारी अच्छी लाइफ है, लग्जूरियस लाइफ है, ज़्यादा ऑप्शन हैं, इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है और चाहे तो फोड़ सकते हो, आया ना? यस सर। तो हमें एक्सक्यूजेज नहीं बनाने। इस पॉइंट पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई कन्वेंशनल करियर पाथ हम चुनते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि इतने साल लगेंगे, इतनी हमको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, मतलब अगले 4-5 साल का पूरा पाथ हमारा तैयार होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑफबीट करियर्स होते हैं जैसे यूट्यूब हो गया या ऑनलाइन कुछ करने का हो गया या अपना स्टार्टअप हो गया, वहाँ पे हम आज शुरू करते हैं। मानो YouTube पे आज आपने वीडियो डाली, आप कह रहे हो कल देख करके रिव्यूज तो आ नहीं रहे, ऐसे वहां तो नहीं करते जब कॉलेज में जाते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो ऑफबीट करियर्स हैं वहां पे भी टाइम लगता है, वहां पर कोई जादू नहीं है। आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली कि उसने आज किया और आज देखो कहां पर है, अरे उसको भी टाइम लगा। किसी भी इंसान को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, एक फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर आप अपने माइंड में इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, और मेरे को कॉन्स्टेंटली पिवट करना होगा, अलग अलग तरीके से चीजों को करना होगा, इनोवेट करना होगा, तब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। 99.99% लोग जो फेल हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पर, वो यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, दे आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। वो क्या सोचते हैं, आज हमने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कॉलेज में ऐसे करते हो क्या, 15 दिन जाते हो, 20 दिन जाते हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, पता है ना 4 साल के लिए गए हो। तो अगर अपना माइंड मेकअप करके आप एक लाइन को चूज कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर स्किल्स और योर स्ट्रेंथ्स, तो दिमाग में बिठा लो कि उसमें 2-4 साल लगेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पे जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल 5 साल साइड करके रखो पहले से ही अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जिसे बोलते हैं एक के साथ एक मुफ्त। सर
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे 2 साल 4 साल अपना टाइम तो दो उसको, बट अगर कभी ये हो कि जैसे अब आप 1.5 साल से 2 साल से कहीं पर हो, कहीं जॉब कर रहे हो, बट उस पॉइंट पे आपको ग्रोथ ही नहीं मिल रही, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो आपको वहाँ पे चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस टाइम पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, छोड़ दो। और अगर ऑप्शन ना हो छोड़ने का तो मतलब जैसे अगर सारी जगह आपको ये भी देखना है कि फाइनेंशियल भी देखना है, अपना सब कुछ देखना है, मतलब खुद ही अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं है छोड़ने का जॉब को। मैं कब कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ कि उस जॉब को छोड़ के कोई और जॉब, बट फिर ढूंढ, दूसरी जॉब इतनी इजीली मिलती भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुश्किल से मिल जाएगी। जरूरी थोड़ी कि मैं बोलता हूँ आसान है तो हर चीज आसान है, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें मुश्किल भी होती है, कोई बात नहीं। ओके सर, सिर्फ मुझे एक चीज़ और बतानी है, मतलब अभी मेरे पास 2 दिन पहले जब आपका मतलब मैसेज आया था कि मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, मेरा मैसेज आया था, हमारी टीम का मतलब टीम, हाँ नहीं, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, अगले दिन ये वीडियो वायरल हो जाएगी कि संदीप सर वेले हैं, वो अकेले में बैठ के लड़कियों को मैसेज करते रहते हैं और उनको तंग करते हैं। नहीं, मतलब टीम का मैसेज आया था, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने सबको फ़ोन करके बता रही हूँ कि मेरे पास मैसेज आया, मेरे पास, मतलब मेरे ऑफिस में तो मेरे से सबने पार्टी तक ले ली, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बस मेरे को जानने था, और बहुत मतलब सब ने बहुत बोला कि तू क्या पूछेगी क्या करेगी, बट मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस जाके देखना है, मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। थैंक यू सो मच जी। अब आपके कोई क्वेश्चन है इनके लिए? मतलब यही है कि कुछ समझ नहीं आता कई बार कि कुछ आगे क्या करें, क्योंकि पॉइंट पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे दिमाग में आते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बट कुछ एक पॉइंट नहीं समझ आता। बहुत सिंपल है यार, वही दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला वही 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछो, और दूसरा इंडेसिसिव मत रहो, आज कहाँ हूँ, जाना कहाँ है, ठीक है, और कैसे जाऊँगी, और उसके बाद एक खरगोश को पकड़ना पड़ेगा आपको और डिसीजन लेना होगा कि यार ये मैं करना चाहती हूँ। सिंपल है, मतलब अब इसमें आप ये सोचो कि कोई और राजकुमार आएगा, राजकुमारी आएगी और वो मेरे लिए वो स्टेप ले लेंगी, या मेरे को कुछ एकदम से ऐसा कुछ मिलेगा जिससे कि मैं ये कर पाऊंगी, आप नहीं, मतलब कुछ वीडियोस होती है, आप जॉब चेंज करना चाहते हो या और पढ़ के और कहीं अच्छा नहीं, जाना मेरे को ये है कि मेरे को साथ साथ जॉब भी करनी है, मतलब आगे भी पढ़ना है और सब कुछ करना है। सब कुछ नहीं होता, शादी में भी जाते हैं तो सब कुछ नहीं खा सकते, हम देख लेते हैं अच्छा अच्छा क्या है, एक चीज पकड़नी पड़ेगी, सारी चीज अगर हम करने बैठे कुछ भी नहीं होगा, एक चीज के पीछे आप लग गए तो वो हो रही होगी। अब उसमें आप ये देख सकते हो मेरे को कितनी दिनों में स्विच करना है, वो आपका रिस्क एपेटाइट है, या अभी मेरी क्या पोजीशन है, या क्या मुझे इसके लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा, या क्या मैं अपनी जॉब के साथ साथ वो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकती हूँ घर में बैठ बैठे, वो मुझे अब ज्यादा पता नहीं आपके साथ क्या, हाँ आपको जाना है, कहाँ पर आप हो, क्या करना है, पर ये पूछो 3 क्वेश्चन, डिसीजन लो, बस इतना ही है। सर, सब आपके लुक के बारे में बोल रहे हैं तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, आप कहते हैं जहर लग रहे हो, पहली बात तो जैसे आप जहर लग रहे हो, आपने सब उम्र का कुछ तो ख्याल रखो, आपके पिताजी की उम्र का हूँ मैं। एक चीज बोलूंगा, बुरा मत माना, जैसे आपकी शर्ट है ऐसे हमारे यहाँ पे जो छिचोरे होते हैं ना, जो ऐसे बीड़ी बीड़ी मार के लड़कियां छेड़ते हैं टाइप, मुझे लग रहा है आप उन्हीं में से एक हो। आपको काफी अच्छे सर मेरे। हाँ, मेरा एक सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारा पर्पस क्या रहता है, यार अच्छे नंबर आ जाए या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए, मतलब कुछ सक्सेस वगैरह मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम पढ़ाई करें तो यार मतलब एक्साइटमेंट रहे, मजा आ जाए, है ना, बंदा एक्साइटेड रहे, ये ना सोचे कि यार इसे पढ़ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, उसको नहीं पढ़ते, मतलब मेन पर्पस हमारा ये ना हट जाए कि इससे क्या मिलेगा, बल्कि उसको काम करने में मजा आना स्टार्ट हो जाए, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो आप, कि ये जो भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, और आप वैसे सोचो कि यार ऐसा कौन सा पिल है जिसे लेके एकदम पढ़ाई में मजा आने लग जाए, तो ऐसा कुछ फील नहीं है, आपको अपना मन मार के थोड़ा उसके ऊपर बैठना ही होता है, और धीरे धीरे क्या है आप अपने आर्ट्स बढ़ाते जाते हो और वो इवेंचुअली आपकी हैबिट बन जाती है। एक बच्चा छोटा क्लास में होता है, मान लो उसके 10 में से 10 आ गए 3rd 4th क्लास में, उस आदमी सबसे ज़्यादा भूखा होता है अप्रिशिएशन का, ये मैंने किताब में पढ़ा था, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, डेल कार्नेगी की किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वही है चैप्टर 1, और छोटे बच्चे को मिल गया, अरे 10 में से 10 आए पापा मेरे मैथ में, अरे वाह बहुत बढ़िया, उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो बच्चा कोशिश करेगा कि यार अगली बार भी मैं लेकर आऊँ मुझे ये वाली तारीफ चाहिए, तो 4th क्लास में मिला आता है, 5th में मिला आता है, 6th में, वहीं पे एक बच्चा है, काफ़ी आप देखते हो बचपन में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, 1st आ रहे हैं छोटी रेसेज में, वो बच्चा 6th 7th क्लास में फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है, बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है, क्यों,
क्योंकि अब उसे वो अप्रिसिएशन मिलता है तो घर में जाके शाम को वो 15 मिनट और खेलता है पार्क में जाके, तो उसे वो बेहतर होता जा रहा है। एक बच्चा ये तो ये बहुत नालायक है, ये तो दिमाग ख़राब कर रखा है, तो उसे अप्रिसिएशन मिल रहा है नेगेटिव फॉर्म में, वो क्या करेगा ग्लास पड़ा है गिरा देता हूँ, तो वो अपनी फॉर्म वैसी सी बनते जा रहे हो, तो धीरे धीरे हैबिट्स फॉर्म होती हैं अच्छी अच्छी। और उसके बाद प्लस यार आपका रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है वो चीज़ अचीव करने का। जैसे अगर आप मुझे बोलो कि यार अमन भैया ये जैसे मैं अभी वेजिटेरियन हूँ और आप मुझे कहो कि यार फिश से प्यार करके दिखाओ, वो नहीं आएगा मेरे अंदर, भावना समझ रहे हो मेरी थोड़ी सी, फीलिंग पकड़ गया, टेंशन मतलब आई गॉट योर फीलिंग। ये बड़े खूंखार आदमी है, ये बच करके रहो, मेरे को पूरा सड़क छाप मवाली शो कर दिया आज इन्होंने। आपने जो बात बोली उसमें मेरे पास भी कुछ है ऐड करने के लिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अमन ने, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है तो सुनिए, आपने ध्यान से सुनिए, इन्होंने पहली बात क्या बोली। पहली बात इन्होंने यही बोली कि एक तो अप्रिसिएशन अगर आपको मिलेगा तो आपका और मन करेगा उस चीज़ को करने का। ये पहली बात नहीं है, ये तीसरी बात है। पहली बात कौन सी बोली सर? मेरे को तो ये पसंद आई ना सबसे ज़्यादा। ये पता कौन है, ये जो क्लास में एक बच्चे नहीं होते जो पीछे बैठे बैठे छोड़ते रहते हैं, हाँ ये वही है। अच्छा सुनो जी सर, इन्होंने पहली बात जो बोली थी वो बोली थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। आपको अगर ये बात समझ आई है तो ये बड़ी कमाल की बात है, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो आप ये सोचो कि मेरे को उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, ऊपर ऊपर लेवल पे नंबर लाना ये करना वो करना वो सब भूल जाओ, वो अपने आप आ जाएंगे। फंडामेंटल्स पे दिमाग लगाओ, फिजिक्स है केमिस्ट्री है, थिंक अबाउट द फंडामेंटल्स। अगर वो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं ना तो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ के फंडामेंटल्स कभी भी बेकार नहीं जाते, और धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आप जो भी कुछ करोगे उस चीज़ की डेप्थ में जा करके उसको फंडामेंटली समझोगे। ऊपर ऊपर से लोगों से ये नहीं पूछोगे हाउ टू हाउ टू हाउ टू, क्योंकि हाउ टू में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आकर के आपको कुछ भी फॉर्मूला दे देगा, आप उसको रट लोगे, फिर भूल जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपको एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लाइफ के फंडामेंटल्स क्या है, हेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है, वेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है। चलो आपने जॉब करी, बिजनेस किया, पैसा भी कमा लिया, बट अगर आपको उस वेल्थ को मैनेज करना नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो सब बेकार हो गया। तो लाइफ में हमेशा फंडामेंटल्स पे काम करो। अगर एजुकेशन को इस तरीके से देखोगे तो मजा आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, फंडामेंटली चीजों को समझ रहा हूं। फंडामेंटल्स मतलब कि उसकी डेप्थ में जाकर के एक्चुअल में समझ रहा हूं कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो इक्वेशन क्या है, उसको डीपली समझ रहे हो। अगर इस तरह से समझोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ऊपर ऊपर से रटते चले जाओगे तो तोते बन जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। संदीप सर एक बात मैं बोलूँ, मैं ना स्टार्टिंग से सिर्फ आपकी फैन हूँ और मैं सिर्फ यूट्यूब पर आपको जानती हूँ और मैं आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप अच्छे लग रहे हो, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किस टाइप की लड़की पसंद है, एंड आप सिंगल हो और मतलब मतलब आप अभी इस सेशन के बाद इनके साथ कहीं जाना चाहते हो डेट में या नहीं जाना चाहते, ये पूछना चाहते हैं। कहीं मतलब मतलब कहीं बस कॉफी पे और वैसा कुछ नहीं, फिर आप अपने रास्ते में अपने घर और वैसा कुछ बस नहीं। सिर्फ एक कॉफी की बात है, बोलो जी जवाब दो, आप इनका दिल तोड़ोगे? इसे बोलते हैं मजा और मस्ती। कॉफी पे मत जाओ, बस ये बता दो किस टाइप की लड़की पसंद। ऐसा लाइफ पार्टनर मैं देखता हूँ जहाँ पे जिससे मैं इंस्पायर हो सकूँ, जिसकी रिस्पेक्ट कर सकें और ये बोल दें यार ये तो मेरे अंदर भी नहीं है, ये चीज़ तो इनके अंदर है, क्या बढ़िया फोटो रखा है, और वो क्वालिटी से इंस्पायर हो सकें। कुछ चीज़ें मेरे अंदर बहुत अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो किसी और के अंदर बहुत अच्छी हों, और वो रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए। यमन आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, आप यहाँ पर आए। ये कल मेरी डॉटर ने खुद अपने हाथ से आपके लिए बनाया है, उस पर थैंक यू लिखा हुआ है उन्होंने, और अंदर कुछ है जो मेरी फैमिली की तरफ से है आपके लिए और हमारी पूरी जो टीम है उसकी तरफ से है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी, प्लीज हैव अ सीट। आज का ये हमारा जो पहला एपिसोड हुआ वो अमन के साथ में हुआ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और ऑडियंस का, आई एम श्योर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? और अमन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं तो और मन है, मैं और बैठा रहूँ यहाँ पे। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं एज अ गेस्ट तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है meet@sandeepmaheshwari.com पे और इमीडिएटली हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप यहाँ पर आ सकते हैं। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, बहुत सारे लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है,
अमन ने एक बार भी ऐसा कुछ भी नहीं पूछा. बट देर आर पीपल जो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हम अपना ये शो प्रमोट कर सकते हैं, अपना ये प्रमोट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं उसका मोटिव है कि जो लोग हैं उनके साथ में हम दिल से कुछ शेयर कर सकें पूरी ऑनेस्टी के साथ में. तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जो मैं अपनी पूरी टीम को कई बार बोल चुका हूँ, इनफैक्ट लिख करके दिया हुआ है मैंने अपनी पूरी की पूरी टीम को, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, कि जो गेस्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, गेस्ट का मतलब हमारे लिए है कि वो भगवान है. अगर कोई यहाँ पर आ रहे हैं हम पे ट्रस्ट करके, हमारी टीम पे या मुझ पे ट्रस्ट करके, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ कुछ गलत करना तो दूर की बात है, कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकते हैं. तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करेंगे, और अगर गलती से कुछ आपके मुंह से थोड़ा बहुत निकल भी जाता है तो सबको हम एडिट कर देंगे. मतलब ये जब सेशन निकल करके आएगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप इस सेशन को बैठ करके देखेंगे तो यू विल फील हैप्पी एंड यू विल फील ग्लैड कि मैं यहाँ पर गया, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस ऑफ योर लाइफ. ये हमारा मिशन है और ये हमारा टारगेट है. तो अगर आप आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा. Wish you all the best. See you soon.